सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वह इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे आप लोग IRFC के नाम से जानते हो। तो IRFC के अंदर आप लोग देख सकते हो भी हमें आज के दिन 2.5% के करीब तेजी बनते नजर आई है। स्टॉक जो ओपन हुआ था 51.25 रुपये के आसपास ओपन हुआ, उसके बाद जो है थोड़ा बहुत दिन नीचे में हमें जाते हुए नजर आए 49 रुपये तक, फिर स्टॉक में अब फिर से रिकवरी बनी है और तकरीबन जो है 51.5 के भाव पर हमें देखने को मिल रहा है। तो इस शेयर को लेकर हम क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बहुत सारे निवेशकों को कमेंट आ रहे हैं फ्रेश एंट्री को लेकर। और मैंने हमारी कल की वीडियो में आपको एक बात बोली, अगर फ्रेश एंट्री लोगे तो विदाउट SL मत चलना भाई, क्योंकि अब इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। रिजल्ट के साथ साथ आप लोग देखो कुछ एक जो पॉइंट्स हैं ठीक है फंडामेंटल्स के अंदर, वो हमें थोड़े से नेगेटिव भी दिखाई दिए हैं, जिसका इफेक्ट स्टॉक के ऊपर आ सकता है। हाँ, अंडर वैल्यू शेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और फ्यूचर में स्टॉक में एक अच्छी रैली बनेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और जो शॉर्ट टर्म वाले निवेशक हैं ना, उनके लिए ये बातें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है। शॉर्ट टर्म है, स्विंग ट्रेड, इंट्राडे, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज शेयर के अंदर इंट्राडे वगैरह बन रहा है मामला या फिर नहीं, वो भी आपको बताएंगे। और लगभग जो वॉल्यूम अब तक लगी ना, वो 15.90 करोड़ की, यानी कि स्टॉक में अगर बोलें तो प्रॉफिट बुकिंग भी चल रहा है आज के दिन ठीक है, यानी प्रॉफिट बुक भी किया जा रहा है, जिसके चलते जो शेयर है वो हमें अभी स्थिर होते हुए नजर आया। तो स्टॉक में तेजी बनी खास, यानी कि कल के दिन तो स्टॉक अब तक तो भाई 6-7% भाग चुका था, लेकिन आज तो 2-2.5% के आसपास यहीं कंसोलिडेट कर रहा है। तो चलिए जानते भी इसका, क्योंकि भी प्रॉफिट बुकिंग हुई ना इसी वजह से। और यहाँ पर 11 अगस्त को जो है इसके रिजल्ट्स भी आने वाले, रिजल्ट अगर आपको देखने तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए भाई। और कल के दिन जो इरकॉन, IRFC, RVNL, जुपिटर वैगन, इन शेयरों में जो तेजी बनी थी उसके पीछे का जो रीजन था वो मैंने आपको बताया था, इस वीडियो में एक बार थोड़ा चर्चा कर लेते उसके बारे में। तो यहाँ पर आप लोग खुद भी देख सकते हो कल के दिन जो शेयरों में तेजी बनी थी उसके पीछे रीजन क्या था। पीएम मोदी के द्वारा आप लोगों ने देखा होगा भी 508 रेलवे स्टेशनों के सुधार के लिए जो ना भी नया पूंजीगत व्यय यानी कि कैपेक्स कार्यक्रम शुरू करने में से रेलवे शेयरों में ये तेजी आई थी कल के दिन ठीक है। और आज के दिन आप लोग देखोगे भी IRFC है, ये 2-2.5% के आसपास तेजी में दिखाई दे रहा है। साथ में अगर बात करें इरकॉन की, तो इरकॉन आज हमें जो ना अभी 1-1.5% के आसपास गिरावट में दिखाई दे रहा है, लेकिन घबराना नहीं है, इन शेयरों को अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए उठाया ना तो स्टॉक में जबरदस्त रैली बनेगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रेलवे स्टॉक समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रविवार को 508 रेलवे स्टेशनों के सुधार के लिए 24,470 करोड़ रुपए का जो अभी नया पूंजीगत व्यय है कैपेक्स कार्यक्रम जो अभी शुरू करने के लिए करने के बाद सोमवार के कारोबार सत्र में हमें जो अभी इन शेयरों में तेजी देखने को मिली रेलवे शेयरों में। तो यही वो रीजन था अभी 24,470 करोड़ के जो ये अपडेट आई थी, इसी की वजह से रेलवे सेक्टर के शेयरों में बूम आया हुआ है। और एज ए लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आपने चूज किया है तो आती रहती हैं बड़ी बड़ी खबरें ठीक है। राइड्स के साथ इसका कोलेब्रेशन हुआ, एक आप लोगों ने देखा होगा अभी 60,000 वेगन्स के लिए जो अभी निर्माण किए जाएंगे, तो उन सब के रिगार्डिंग अगर देखें तो इन शेयरों में तेजी बनना लाजिमी थी। तो चलिए अब इसका चार्ट देखते हैं भाई। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कल की वीडियो में मैंने आपको बोला था, देखो भाई स्टॉक 50 रुपये के आसपास है, 49 रुपये के आसपास नीचे में आया है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में SL पुट करके चलना है। 47.55 रुपये का SL मैंने इसीलिए आपको बोला था, अगर फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हो करंट प्राइस के ऊपर ले भी सकते हैं, बट उन्हें भी SL पुट करके चलना पड़ेगा 47.55 का ठीक है। तो ये SL कंपलसरी है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वाले हैं जो भी इसके अंदर लेना चाहते हैं, क्योंकि भाई क्वार्टर में रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, इसलिए रिस्क नहीं लेनी है, थोड़ी सी भी थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना इस लेवल के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ SL पुट करके चलिए। और ऊपर में शेयर आपको मे बी 55 से 60 रुपये के टारगेट दिखा सकते हैं, अगर रिजल्ट अच्छा है तो 70 के आसपास भी निकल सकते हैं। तो इसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल है, बट अब तो रिजल्ट के ऊपर भी फोकस करेंगे। साथ में यहाँ पर जो इसके अंदर हाल फिलहाल जो तेजी बनी हुई है, इस तेजी को देखते हुए चले तो स्टॉक में एक अच्छी रैली बनने वाली है। यहाँ से अगर फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हो तो 47.55 का स्टॉप लॉस लेकर एंट्री ले सकते हो, और ऊपर में जो इसके टारगेट आएंगे 55 से 60 के। लेकिन अगर थोड़ी बहुत गिरावट होती है तो उस गिरावट को लेकर परेशान नहीं होना है, अगर सपोर्ट कटे तभी स्टॉक को एग्जिट करना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसके जो RSI MFI यही थोड़े हाई है जो स्टॉक के ऊपर थोड़ा दबाव डाल रहे हैं ठीक है। तो और प्रॉफिट बुकिंग भी आज के दिन हुई है थोड़ी बहुत, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है, लेकिन इन सबको लेकर परेशान नहीं होना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।